तो गाइस देख सकते हो गाइस लाइव प्रूफ के साथ मैं चिक्की मिल्टर में तो 168 कॉइन कलेक्ट कर लिए हैं, वो भी गाइस न्यू अकाउंट में। गाइस अपना ये ओल्ड अकाउंट नहीं है गाइस, ये न्यू अकाउंट है। यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। देख सकते हो गाइस 168 कॉइन मैंने कलेक्ट कर लिए है, वो भी अपने न्यू अकाउंट में, वो भी इतनी जल्दी। सो ये मैंने कैसे किया, सो इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखो। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू पैट गेमर यूट्यूब चैनल। गाइस आज की वीडियो काफी खास होने वाली है, सो गाइस इसलिए वीडियो को एंड जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी चिक्की मिल्टर के न्यू अकाउंट में आप इतनी जल्दी इतने सारे कॉइन्स कैसे कलेक्ट कर सकते हो। और मैं आज आपको ये भी बताऊँ कि मैं नो टाइम लिमिट के कैसे खेलता हूँ। सो इसके लिए वीडियो को एंड जरूर देखना। सो चलो वीडियो वेस्ट टाइम, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो सबसे पहले स्टेप है दोस्तों, आपको जीके मिल्टर में कोई भी न्यू अकाउंट क्रिएट करो। अगर आप न्यू अकाउंट क्रिएट नहीं करो तो कोई जाहिर सी बात है आपकी ये ट्रिक काम नहीं करने वाली। सो आपको कोई फेक जीमेल बनाना मैंने सिखाया है। सो आपको एक कोई भी एक अकाउंट, तीन चार अकाउंट को क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको एक तीन चार अकाउंट क्रिएट करने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है तो अपने टास्क वाले सेक्शन पर, जिस तरह से मैं जा रहा हूँ टास्क वाले सेक्शन पर जाने का। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मेरी बात सुनो, इस घबराना मत, यहाँ पर मेरी बात सुनना। यहाँ पर आपको ये जो टास्क दिख रहेगा, ये सारे टास्क कंप्लीट करने अपने न्यू अकाउंट में, जो आप न्यू अकाउंट बनाओगे ना तो उसमें कैसे सारे टास्क आपको कंप्लीट करने हैं। गाइस अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो फिर भी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। समझ रहे हो, समझ रहे हो? सो गाइस आप समझ गए ना गाइस मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो इसीलिए गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को एंड जरूर देखना। सो गाइस आपको ये जो टास्क दिख रहा है गाइस, ये सारे टास्क आपको कंप्लीट करने हैं। जानते हो गाइस आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट कोई बात नहीं, गाइस आपके जितने भी अकाउंट्स हो गए, जितने भी आप न्यू अकाउंट बनाओगे, सो उनमें गाइस ये सारे टास्क कंप्लीट कर देना। जैसे भी टास्क हो गए, आपके सारे टास्क कंप्लीट हो जाने चाहिए। सो गाइस अब आती है दोस्तों यहाँ पर मेन ट्रिक। गाइस अगर आपने सारे अकाउंट में दोस्तों ये टास्क कंप्लीट कर दिए, सो गाइस आपको टोटल मिलेगा मेरे हिसाब से 41 कॉइन या फिर 37 कॉइन या फिर 34 कॉइंस। गाइस ये आपको कितने भी कॉइंस मिल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आपको 30 के ऊपर ही कॉइन्स मिलेंगे। बाद में दोस्तों आप ये सारे कॉइन्स अपने न्यू अकाउंट में क्रिएट कर लेना, दोस्तों अपने न्यू अकाउंट में कलेक्ट कर लेना। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आती है मेन ट्रिक। यहाँ पर दोस्तों आपको गेम को खेलना ही नहीं है। अब आप लोग सोच रहे हैं भाई हम गेम क्यों ना खेले। मैं जानता हूँ दोस्तों आप GTA 5 के बेकार लवर हो, क्योंकि रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जानते हो आप GTA 5 के बहुत बड़े फैन है, क्योंकि तड़प ही ऐसी आप लोगों को खेलने से रहा नहीं जाता। सो इस आपको आप करते क्या दोस्तों, आपने थोड़े से कॉइन्स कलेक्ट कर लिए आप सीधा खेलने बैठ जाते हो, थोड़े से कॉइन्स कलेक्ट कर लिए सीधा खेलने बैठ जाते हो। सो आपको ऐसा नहीं करना है गाइस, आपको थोड़ा सा सेविंग करना है, क्योंकि जब गाइस आप पॉकेट मनी जो आप कलेक्ट करते हो, सो गाइस एक बार में 5-6 हज़ार कलेक्ट कर लेते हो क्या? आप थोड़े थोड़े करके कलेक्ट करते हो ना, गाइस 50-50 रुपये आप कलेक्ट कर लेते हो ना, सो वही सेम प्रोसेस गाइस आपको चिक्के नोट लगाना है। यहाँ पर आपको गेम को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है दोस्तों, आपको गेम को सीरियस नहीं लेना है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको 4 दिन के बाद गेम को खेलना है जी दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको रोज 4 दिन तक दोस्तों आपको लगातार दोस्तों हर एक अकाउंट में दोस्तों साइनिंग करनी होगी और हर एक अकाउंट में दोस्तों टास्क कंप्लीट करते रहने होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको 4 दिन तक गेम को खेलना नहीं। एंड फिर दोस्तों जो आपने 4 अकाउंट क्रिएट किए थे अपने जीमेल को, फेक जीमेल मैंने आपको बताया था, उनमें दोस्तों आपको घुसना है। तो एक एक करके आपको हर एक अकाउंट का टास्क कंप्लीट कर लेना है। पहला अकाउंट हो गया, दूसरा अकाउंट हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो आपको 4 दिन तक दोस्तों इन्हीं अकाउंट का टास्क कंप्लीट करते रहना है। सो गाइस यहाँ पर अपने 4 अकाउंट का टास्क कंप्लीट कर दिया। तो दोस्तों अब आती है दोस्तों यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे एंड थर्सडे। सो गाइस यहाँ पर हमने 4 दिन दोस्तों हमने लगातार टास्क कंप्लीट करते रहे। एंड यहाँ पे दोस्तों हर अकाउंट में दोस्तों हमें 40-40 कॉइन्स मिलते रहे। एंड अगर हमें 40 कॉइन्स ना मिल रहे तो गाइस हमें 35 कॉइन्स तो मिल ही रहे आराम से। एंड अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो मंडे 35, ट्यूसडे 35, वेनसडे 34 एंड थर्सडे 34। सो गाइस हम 1-2 कॉइन्स थोड़ा सा पीछे कर रहे हैं इसलिए गाइस, बिकॉज इसका रीजन ये थोड़ी है कि हमें उतने ही कॉइन्स मिले जो हमें मंडे या ट्यूसडे मिले थे। सो इसलिए गाइस मैंने 1-2 कॉइन्स थोड़े से पीछे कर दिए। एंड कैलकुलेशन का आंसर आता है दोस्तों पूरे 140 कॉइन्स। चलो हम 5 कॉइन्स थोड़े से कम कर लेते हैं, 135। सो गाइस आप देख सकते हो गाइस हमें अगर 4 दिन अगर आप गेम नहीं खोलेंगे तो इस आपके हर अकाउंट में 135 कॉइन्स आ जाएंगे। एंड अभी गाइस यहाँ पर मैं आपको एक मजेदार ट्रिक बता दूँ, एंड वो ट्रिक ये है कि सारे अकाउंट्स को मिलाकर हमारे पास टोटल इतने कॉइन्स हो जाएंगे। एंड अब काफी सारे मेरे भाई ये सोच रहे होंगे कि काश हम इन सारे कॉइन्स को अपने एक ही अकाउंट में कलेक्ट कर सकते हैं। सो भाई ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि चिक्की मिल्टर में एक फीचर है जिससे गाइस हम कॉइन्स गिफ्ट कर सकते हैं। अब ये फीचर प्रॉपर कैसे काम करता है मुझे पता नहीं, गाइस अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करना, तो मैं आपके लिए इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो गाइस ये कुछ ट्रिक है जिससे हम कॉइन्स कलेक्ट करते थे। बस गाइस आपको GTA 5 ज्यादा खेलना नहीं है, बस गाइस आपको थोड़ी सी सेविंग करनी है, थोड़ी सी सेविंग करना तो बनता है यार। 4 दिनों तो थोड़ा सा ऑफलाइन गेम को ट्राई करो यार, कुछ दूसरे गेम्स भी खेलो। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो चलेगा वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का भाई आप लोगों के लिए ऐसे कॉन्टेंट लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।